अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं साहब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। और आज हमारी मॉर्निंग जो है सितारा के घर से हो रही है, क्योंकि हमारे घर पे कल रात से लाइट नहीं थी और हम लोग सितारा के घर आ गए थे। और आज पूरी फैमिली ने सितारा के घर नाइट स्पेंड की और शुक्रिया भाई सितारा, क्योंकि हमारे घर पर लाइट नहीं थी तो इनके घर पर लाइट थी तो हमें रात यहाँ गुजारनी पड़ी। एक करके सारे उठ के आ रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, फिर शाम को आएंगे सितारा के घर। फिलहाल हमें घर जाना है क्योंकि घर पे चाचू और सारे उठे हुए हैं, उनका नाश्ता भी बनाना है, उन्होंने भी नाश्ता करना है और हमने भी नाश्ता करना है। चलते हैं घर और अभी चलें घर। चलो चलो अभी अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं घर के। दुआ रानी कैसे मज़े से सो रही है? दुआ रानी इसका दिल अभी नहीं है उठने का, लेकिन अभी हमें तो जाना है ना घर, क्या कर सकते हैं। अच्छा लगा आज यहाँ सो के? अच्छा लगा, क्योंकि नई जगह थी ना इसलिए फिर थोड़ा अजीब लगता है नई जगह। और हमारा पपलू सोया हुआ, ये उठेगा तो फिर हम लोग घर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं और मैंने फिर जाना है उस्ताद साजिद के साथ मार्केट, हमारा थोड़ा सा काम है तो वहाँ चलते हैं फिर। रानी उठ गई है क्योंकि गर्मी थी तो गर्मी में लेके आए हैं, तो मेरी बेटी उठ गई है, उठ गई है। जुआ रानी उठ गई है। और फादिया क्या कर रही है? और भी रात मेरी बेटी के साथ भी एक वाकई, बॉल के साथ खेल रही थी और ना वो इसके मुंह के अंदर चली गई, तो बस दुआ करें कि वो निकल जाए, क्योंकि रात हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। गए थे डॉक्टर के पास भी तो उन्होंने बोला निकल जाएगी, परेशानी वाली बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये ठीक है। और दुआ रानी तो इसको दुआ रानी को क्या बोलें, दुआ रानी को क्या बोलें। उस्ताद साजिद आ गया और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से थोड़ा सामान लेते हैं और सामान लेके आते हैं, फिर जो है ना फिर हम लोग वापसी आते हैं और फिर बताते हैं कि आज की क्या कंडीशन है। यहाँ हम लोग पूछने आए हुए हैं, यहाँ से देख रहे हैं अभी कि कौन सा जनरेटर हमें पसंद है। अच्छा ये भी जनरेटर लगे हुए हैं, अभी देखते हैं कि हमें कौन पसंद आता है और कितना रेंज में पसंद आता है। ये देखें यहाँ पे जो है ना आई चंडीगढ़ रोड पे होटल स्पेसी भी खुला हुआ है और UBL बैंक का बड़ी ब्रांच, यहाँ जो है ना सारी बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं आई चंडीगढ़ रोड पर, सारा बिजनेस अक्सर यहाँ पे होता है। जो है ना छोटा सा लंडा लगा हुआ है, मतलब थोड़ी यूज़ में टी शर्ट वगैरह और ये चीज़ें देखें, मज़े से लोग यहाँ ले रहे हैं। और शर्ट भी अच्छी क्वालिटी में है, कोई ये नहीं कि लोकल में नहीं, अच्छी अच्छी क्वालिटी में लगी हुई है। देखें ये चीज़ चेक करें आप, चलो जनरेटर पसंद कर लिया है, मैंने अभी अपना देख लिया है, मैं मंडे या ट्यूज़डे तक लेने आऊँगा, ठीक है। और इन्होंने अभी पसंद कर लिया, ये इन्होंने ले लिए और ये अपना आज ले के चले जाएंगे। मैं मंडे या ट्यूसडे को आऊँगा और फिर अपना मैं भी ले लूँगा, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ना बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, तो इसलिए जो है ना वो हम लोग, मैं हम तो छोटा ले रहे हैं, इन्होंने बड़ा लिया, हम छोटा ले रहे हैं, तो ऐसे ही करते हैं। अल्लाह से हमारा जनरेटर का काम हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं अकबर मार्केट, वहाँ चलते हैं और वहाँ से थोड़ा सामान लेना है, फिर वहाँ से चलेंगे कैंट स्टेशन, क्योंकि ये जनरेटर भी भेजना है पंजाब, तो फिर वहाँ से होके फिर आते हैं। हम लोग आए हुए हैं आरामबाग, ठीक है, ये एक्वायर मार्केट से थोड़ा पीछे है, बोल्डर मार्केट से थोड़ा अंदर है और यहाँ से बस थोड़ा सा बिजली का सामान लेना है, तो साथ सारे लोगों ने वो लिया है और उसके बाद जी फिर चढ़ते हैं एक्वायर मार्केट और उसके बाद फिर घर। शदीद वाली भूख लग रही है, कुछ खाने पीने का भी देखते हैं क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही है भाई। इस टाइम हम लोग आए हुए हैं बंस रोड पे और यहाँ से हम लोगों ने खाई है बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी थी। और बिरयानी खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर।
नहीं घर नहीं जा रहे, अभी अकबर मार्केट चलते हैं, वहाँ से भी थोड़ा सा काम है। और ये बंसरोज स्ट्रीट है, यहाँ पे कबाब वाला मशहूर है, एक दिन आना है और वो भी टेस्ट करना है। मार्केट हम लोग पहुँच गए और ये देखो मैंगो वाला बाबा यहाँ रुका हुआ है। और अकबर मार्केट से थोड़ा सामान लेना है हम लोगों ने, सामान ले के फिर यहाँ से जो है ना निकलेंगे घर के लिए। मेरे साथ उस्ताद साजिद है, आज हम दोनों साथ निकले हुए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से, यहाँ से हमने ना सीट कवर लेने हैं। ओए होए ये वाला जो है ना, ये वाले बहुत ज़बरदस्त है, ये वाला पूछता हूँ मैं भी, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। जी ये देखें यहाँ से कोई प्रोटोकॉल गुजर रहा है और उसकी वजह से इन्होंने हमें रोका हुआ है ये चीज़। ये देखें ये प्रोटोकॉल गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से वापसी में घर आ गया हूँ और अम्मी और बाबर शायद वो बाहर गए हैं सदर, उन्होंने मुझे बोला था लेकिन मुझे टाइम लग गया, अब वो चले गए होंगे। तो अभी घर चलते हैं, कुछ पानी वानी पीते हैं फिर। रही हो क्यों सफाई कर रही हो, किसने बोला है? हाँ चलो आ जाओ घर चलें, चलो चलो आ जाओ घर चलें, आ जाओ घर में। यहाँ सफाई का काम शुरू हो गया है, चलो भाई चलो 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 फटाफट सफाई करो, सारे यहाँ सफाई का काम शुरू। ओ शहबाज भाई कैसे हो भाई, आजकल तो कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं है भाई, क्या है यार कहाँ लिफ्ट नहीं करवा। और यहाँ बाबा कैसे हो, ठीक हो? रात कैसी गुजरी फिर बगैर लाइट के? आ गई थी फिर हमारे साथ, हम तो फिर चले गए थे। इधर तो देखो भाई क्या कर लियो, अरे भाई क्या कर लियो, छुपा से कहाँ थी तुम, कहाँ थी बताओ, अरे भाई दुआ कहाँ थी? हाँ उठाऊँ 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 बेबी को, उठाए बेबी को उठाए। तुम तीनों हाँ क्या गर्मी हो रही है? दुआ दुआ वाह दुआ भी है, अच्छा अच्छा चलो। जी इस टाइम हम लोग जा रहे हैं आर्ट कौंसल और वहाँ थोड़ा सा शो लगा हुआ है तो हमारे कल्चर का, तो वहाँ चलते हैं। अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड करने दिया तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। बात कुछ दिनों से, दो चार दिनों से ये सोनिया गोपाल वालों के रिश्तेदारों की वजह से चल रही है कि भाई उसने वो लोग गए और सितारा ने अच्छा मूड नहीं दिया। भाई देखें ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। आप अक्सर देख सकते हैं कि सितारा के घर जब भी कोई आता है तो उसको मतलब ये है कि अच्छा ही रिस्पांस मिलता है। अब मुझे ये बताएं कि आप गेट से ही घुसोगे और फौरन ही कैमरा ऑन करके आ जाओगे, कोई बंदा कैसे होता है, कोई बंदा कैसे किस हालत में होता है, कभी किस हालत में होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ों देखनी चाहिए। मैं उनकी वीडियो भी कल देख रहा था कि हमें भी कोई मिलने आता है तो हम बड़ी इज्जत करते हैं ये वो। तो मेरी बहन अगर आपको कोई मिलने आता है और आप अगर इज़्ज़त करते हो तो इन्होंने आपको डंडे तो नहीं मारे, कोई कुछ कहा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन गलत है। आप किसी के घर आए हो तो पहले उससे मिलो, ये नहीं कि आते ही आप कैमरा ऑन कर दो और हाँ जी कैसी हैं ठीक हैं। तो जहरी बात है जब आप कैमरा ऑन करोगे तो अगले को तकलीफ़ होगी, ठीक है। मिलने का कोई तरीका होता है, बंदा किसी से पूछ लेता है कि मैं आपके घर आया हूँ, मैं आपको आपकी वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरा ऑन करूँ कि नहीं आऊँ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। फैमिली का सब पता है, सबको पता है और हमारे व्यूवर्स को भी पता है कि हम लोग कैसे हैं और हमें जो जो मिल के गए उन सबको पता है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो भी मिल के गया अच्छा ही रिस्पांस देता है। पहली ख़वातीन है जो ऐसा बोल रही है कि भाई सितारा ने ऐसा बोला ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला है और उसने अच्छे तरीके से आपको मिली है ये वो। आपको अगर अच्छा बुरा लगा है तो हम तो भाई ऐसे मिलते हैं, आप पता नहीं किस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। और वो आई भी अगर हैं तो हमारे रिश्तेदार आए थे उनके साथ ही अंदर चली आई हैं वो, ठीक है। और सुबह सुबह 8 बजे आप बेले मार रहे हो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सुलाते लो, सुबह आपको पता है 12-1 तो वैसे बजे थे और 8 बजे आप वैसे आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं तो 8 बजे से बेले देना शुरू कर दोगे तो 8 बजे कौन मुझे बताएं उठता है? 1-2 बेले दी समझ आती है, नहीं खोल रहा अगला तो चले जाओ। आपने भी तो सुबह सुबह तंग किया फिर दोपहर को तंग किया, ऐसे नहीं होता। किसी से भी कोई मिलने जाता है तो उसको पहले बात करता है मैं मिलने आ रहा हूँ, ताकि फिर ऐसे नहीं होता डायरेक्टली आप आ जाओ और बोलो कि मैं आपको मिलने आ गया हूँ ये वो। तो मेरी बहन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको अल्लाह ने शोहरत दी है, आपके भी सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि किसी के बारे में ना मुँह उठा के आ जाएं और बोलें कि ये ऐसे हैं, ठीक है। अगर वो इतना ही अच्छी नहीं थी, अगर ऐसे ही फेवर वाली है तो आप उसको मिलने क्यों आई? नहीं आती मिलने, आप अपने घर पर बैठती, आपकी मिन्नत तो नहीं की थी उसने कि आप आ जाओ मिलने आ जाओ, या आपके लिए मर तो नहीं रही थी। तो किसी पर बात करने से पहले ना आप जो है ना ज़रा सोच लिया करें,
मुझे दो चार दिन से आ रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे सितारा के हक में, वो ऐसे ऐसे बोल रही है, मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। बाकी वो लेडीज़ हैं, उनको ऐसे करना नहीं चाहिए था, उनकी मर्ज़ी है जो भी दिल करे। हम तो उसके भाई हैं, अगर उसके खिलाफ़ कोई बोलेगा तो फिर हम उसको अच्छे वाली उसका जवाब देंगे। इस टाइम हम लोग आर्ट काउंसिल आ गए हैं, ठीक है, और अभी देखते हैं कि यहाँ की क्या सिचुएशन है और किस टाइम प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, चाचू को पता है यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या। वैसे बस अभी हम लोगों ने जो ड्रामा देखना था वो देख लिया, अभी चलते हैं घर और घर चल के फिर आगे का शूट घर चल के बताएंगे आपको। और इस टाइम दुआ रानी जा रहे हैं नादरा दफ्तर, मेरी बेटी की मम्मा का जो है ना NAC बनवाना है, और मैं और दुआ रानी शाह जा रहे हैं। कहाँ जा रही है दुआ रानी? क्योंकि इसको घर पे छोड़ नहीं सकते, ये बहुत 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 गंदा बच्चा है, ये पीछे रोना शुरू कर देता है। तो चलते हैं अभी नादरा के दफ्तर, ठीक है। इस टाइम हम लोग नादरा पहुँच गए और माशाल्लाह से रज देखें कैसे लगा हुआ है, और दुआ मेरी गोद में सोई हुई है, और मैं और शहबाज और मेरी वाइफ आए हुए हैं। बस दुआ करें कि जल्दी नंबर आ जाए, नहीं तो फिर काम हो जाना है। अच्छा जी, एक सब्सक्राइबर हैं शेरीन मक्का से, और वो अक्सर मुझे बोलती रहती है मेरा नाम ले लें, मेरा नाम ले लें।
तो आज मैं नादरा दफ्तर आया हूँ और शेरीन जी आपका नाम ले लिया है। यहाँ पे जो है मैंने सारण की तैयारी शुरू कर दी। आज बन रहे हैं शिमला मिर्च और आलू। मैंने प्याज डाल दिए, बाकी जो है ना साथ साथ घी वगैरह सारा डाल दी। फिर आपको मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए, बस हल्दी लाल मिर्ची कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ पिसा हुआ गर्म मसाला बस वो ऐड करेंगे और नमक, और उसके बाद जो है ना इसको भूनती हूँ। फिर आलू डाल दी, ये टमाटर डालने लगी, ये फर्क है ना आपने डालना है गरम मसाला, ठीक है। और तो कोई मसाला नहीं है, ना हल्दी है ना लाल मिर्च है, कोई मसाला नहीं, बस ये गरम मसाला। अगर गरम मसाला भी अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। जब ये भुन जाएंगे थोड़ा सा पानी डालती हूँ, उसके बाद जो है ना लास्ट में शिमला मिर्च डाल के और धनिया डाल के बस दम लगा दो मिनट के लिए। जी ये मैंने ना शिमला मिर्च काट करके दी, साथ में हरा धनिया, बस यही ऐड करूँगी। और जो है ना हमारा सालन जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस आलू गल चुके हैं तो मैं ये डाल दूँगी और फिर 5 मिनट तक है ना चूल्हा बंद कर देंगे। ये इसमें ना ग्रेवी वगैरह बस हल्की से रखनी है, कोई शोरा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, मज़ेदार लगेगा ये। आपको बना के ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहे। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो है ना क्या कहते हैं, बाकी मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा कि हमारा NSE बना कि नहीं बना, जो भी है, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।